हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा छोटी बुनाई वाला पैटर्न लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। यहाँ पे मैंने 14 फंदे लिए हुए हैं। ये डिज़ाइन हमारा 2 लाइनों का है, लेकिन 4 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब धागे को ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स, धागे को ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। अब इधर हमारे 2 धागे हो गए हैं। एक धागा हमारा खींच रहा है, देखिएगा, और दूसरा वाला धागा हमारा टाइट है। अब हमने जो धागा हमारा टाइट है, इससे हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद पीछे से धागे को ऐसे खींच देंगे। आगे अपने इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए जाना है। फिर से देखिएगा, धागा पीछे है, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। अभी हमारे पास 2 धागे आ गए हैं। एक धागा हमारा खींच रहा है और दूसरा वाला धागा हमारा टाइट है। जो धागा हमारा टाइट है, टाइट वाले धागे से 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। उसके बाद पीछे से धागे को ऐसे खींच देंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे ऐसे फोल्ड करके, और टाइट वाले धागे से हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, और पीछे से धागे को ऐसे खींच देंगे। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट थर्ड रो को हमने बनाना सेम फर्स्ट रो की तरह है। यहाँ पे डिजाइन की जगह हमारी चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 सीधे फंदे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बुने थे, अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। धागे को ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ को लाएंगे और टाइट वाले धागे से हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद इस धागे को ऐसे पकड़ के खींच देंगे। ज़्यादा टाइट करके हमने नहीं खींचना है। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाया था पहले फर्स्ट रो में, अब यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। धागे को ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ को लाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, 2 धागे हैं। एक धागा हमारा खींच रहा है और ये एक धागा हमारा नहीं खींच रहा। जो धागा हमारा नहीं खींच रहा है, उस धागे से हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद धागे को ऐसे पकड़ के खींच देंगे। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागे को ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ को लाएंगे और 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं टाइट वाले धागे से, और पीछे से धागे को ऐसे खींच देंगे। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और एज के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की फोर्थ रो। डिज़ाइन की फोर्थ रो को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। यहाँ पे 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 लाइनों में डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में, न्यू बॉर्न बेबी के स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।